एडोब प्रीमियर प्रो में विधि सॉन्ग्स बनाने के लिए सर्वप्रथम फाइल मेनू में ओपन, ओपन से डी ड्राइव, प्रीमियर प्रो डाटा, उसके अंदर प्रीमियर प्रो प्रोजेक्ट, वहां ऑनलाइन विधि, अपर ट्रैक सीएट्स के अंदर विधि ऑल सॉन्ग्स इन वन को ओपन करना है। लोड प्रोजेक्ट की एक विंडो खुलेगी, उसमें ओके क्लिक करें। अब प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है, साथ ही नीचे फाइल्स की लोडिंग हो रही है। ध्यान रखें, जब तक सभी फाइल्स लोड ना हो जाएं, तब तक प्रोजेक्ट पर वर्क ना करें। यदि बीच में क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर हैंग हो जाएगा और बंद हो जाएगा। नीचे ऑल मीडिया लोडेड लिखकर आ गया है, इसका अर्थ यह है कि अब प्रोजेक्ट वर्किंग के लिए तैयार है। यहां पर आपको तीन टैब, प्रोजेक्ट बिन, इफेक्ट्स और इफेक्ट कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं। अब प्रोजेक्ट पैन में खाली जगह पर राइट क्लिक कर न्यू बिन को सेलेक्ट करें, जिससे एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब सभी सॉन्ग्स को सेलेक्ट कर इस नई बिन में मूव कर दें। अब आप देख रहे हैं कि बिन के बाहर आपको खाली जगह दिखाई पड़ रही है। अब इस बिन पर डबल क्लिक करें, जिससे सामने न्यू टैब में आपको इस बिन के सभी सॉन्ग्स दिखने लगेंगे। अब मेन प्रोजेक्ट विंडो में आकर एक न्यू बिन क्रिएट करेंगे, जिसका नाम आप पार्टी के आधार पर रख सकते हैं। यहां हमने इंपोर्ट रॉ नाम दिया है। इस बिन को डबल क्लिक कर ओपन करें। यहां राइट क्लिक करने पर इंपोर्ट और उसको क्लिक करने पर ओपन करने से सारी फाइलें इस बिन में इंपोर्ट हो जाएंगी। ये सभी फाइलें आप अपनी हार्ड डिस्क में जिस लोकेशन पर रखेंगे वहां से ही आपको इंपोर्ट करना है। प्रोजेक्ट विंडो में जाकर खाली जगह में राइट क्लिक करेंगे, न्यू आइटम में सीक्वेंस पर क्लिक करें। यहां एक नई विंडो पॉपअप होगी, जिसमें कई ऑप्शन होंगे। आपको AVCHD 1080P को सेलेक्ट करना है। उसके अंदर AVCHD 1080P 25 को क्लिक कर ओके करना है। इससे न्यू सीक्वेंस की टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। अब हम इस प्रोजेक्ट को सेव एज कर हार्ड डिस्क में एक नई लोकेशन पर सेव कर लेते हैं, जिससे हमारा ओरिजिनल प्रोजेक्ट सुरक्षित रहेगा। जैसे हमने यहाँ प्रोजेक्ट का नाम राम वेट्स सीता दिया है। आपने जितनी फाइल्स इंपोर्ट की हैं, उसका प्रीव्यू क्रिएट होता है, अतः आप थोड़ा सा इंतजार करें एवं जब सभी फाइल्स के प्रीव्यू बन जाएं, तब आप काम शुरू करें। अब आपकी इंपोर्ट की हुई फाइल्स को सेलेक्ट कर टाइमलाइन पर ड्रैग एंड ड्रॉप करें। यहाँ टाइमलाइन पर रखे वीडियो में जो खराब फुटेज है, उन्हें आप हटा लें और जो करेक्शन करने हैं वे भी कर लें। अब मेन प्रोजेक्ट बिन से सॉन्ग्स वाले बिन को डबल क्लिक कर ओपन करें। आपको सामने सॉन्ग्स दिखते हैं। किसी भी सॉन्ग पर डबल क्लिक करने पर टाइमलाइन में एक न्यू सीक्वेंस में ये सभी सॉन्ग्स ओपन होते हैं। तो जो सॉन्ग्स आपने डबल क्लिक किया है, वही सॉन्ग आपका ओपन होगा। टाइमलाइन के फुटेज को कंट्रोल ए से सेलेक्ट करना है और कंट्रोल सी से कॉपी करना है, और सीक्वेंस वन में जहां पर आपको रखना है वहां पर कर्सर लाना है। आपका वीडियो जिस ट्रैक पर रखा है उसके सामने V1, V2 आदि लिखा है और वह ब्लू बॉक्स में है, तो ओरिजिनल वीडियो आपका एक्टिव है। अर्थात ब्लू बॉक्स दिख रहा है तो वह एक्टिव है। आपको इस ओरिजिनल वीडियो ट्रैक को डीएक्टिवेट करना है, माने ब्लू बॉक्स हटाना है,
और ओरिजिनल वीडियो के ऊपर वाले ट्रैक को सिलेक्ट कर वहां पर इसे पेस्ट करना है। इस प्रकार आपका ये सॉन्ग तैयार हो गया है। यहां ध्यान देवें, ओरिजिनल ऑडियो ट्रैक को म्यूट कर दें, अन्यथा सॉन्ग के साथ ओरिजिनल ऑडियो भी सुनाई देगा। प्रोजेक्ट में जिस स्थान पर आप ओरिजिनल ऑडियो चाहते हैं वहां कर्सर रखें व उस ऑडियो क्लिप को कट करके नीचे वाली ट्रैक पर रख दें। सॉन्ग के अंत में कर्सर को रखकर अन्य सॉन्ग्स प्रोजेक्ट को भी ओपन कर कॉपी पेस्ट कर अपनी टाइमलाइन में रखना है और पूरा विधि प्रोजेक्ट बनने के बाद मार्क इन और मार्क आउट लगाकर एक्सपोर्ट करना है। मार्क इन के लिए आई बटन का प्रयोग करें और मार्क आउट के लिए ओ बटन का प्रयोग करें।